इतर कराओगे अपने? नहीं नहीं पत्रकार बेसक जो इन देखा करो पूरा ना देखा तो तुम्हें पूरा दिखाएं ना बीजेपी अड़ा तो बोल ही नहीं रहते ना पहले कहते हैं जाट जाट मंजूर नहीं करेगा ऐसा ना ना ऐसा कुछ नहीं है। जाट तो देवता हो तो सबने मंजूर करे है बीजेपी को मिट्टी में मिलाने के लिए। जो हरियाणा में कांग्रेस बढ़ रही है इनको जीरो करने के लिए निर्मला सीतारमण जो न बोलते उन्होंने उससे नहीं पूछो किस में पट गए जे एन यू का गाड़ी दे दिया ऊपर एक एफ आई आर भी हो रही है। हाँ डेली प्रिंटर वो बोलता बोलना आता नहीं अनपढ़ आदमी है नुबेरा नहीं मैं के बेटी तो इन बीजेपी वालों से ही बचानी पड़ रही है। आप तो एक प्रधानमंत्री जो कि एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होती है उसका जो भाषा है ना लैंग्वेज वो इतनी टफ और रफ है आज तक हमने किसी प्रधानमंत्री की नहीं देखी। लाइक दैट जैसे कांग्रेस आएगी तो आपके बहू आगे मंगल सूत्र ले जाएंगे मुसलमान आपकी भैंस खोल ले जाएंगे आपके किले ले जाएंगे। सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग यहां पर आए हुए हैं और ताता लगा हुआ है लगातार आप देख रहे हैं लगातार आने का सिलसिला लोगों का जारी है और अब ये तय करेगा हरियाणा का हरियाणा में कौन बनाएगा सरकार बीजेपी या कांग्रेस। इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं साथ ही अन्य मुद्दों पर भी बात करेंगे किस तरह से देश में महंगाई बेरोजगारी है या नहीं क्या कुछ कहते हैं हरियाणा के लोग हरियाणा में माहौल क्या है। इतर कराओगे अपने? नहीं नहीं इतर होते हैं क्या मोदी सरकार का डर है? हाँ क्या डर है सब इतने डर देगा इसलिए बोलना नहीं चाह रहे सीबीआई का ज्यादा खौफ हो गया लग रहा है। राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत लेकिन क्या लग रहा माहौल क्या लग रहा हरियाणा में? माहौल हरियाणा में एक तरफा कांग्रेस है बिल्कुल कम 55 से लेके 65 सीट के बीच में कांग्रेस आनी है। एक हवा देखो ये अब की बार क्या है ये इलेक्शन जो है ना ये कांग्रेस वर्सेज बीजेपी नहीं है ये लेकिन जनता वर्सेज बीजेपी है। जनता एक साइड है बीजेपी का जनता का माहौल मन बदल गया है। जो एक छोटे पर बात यह है एक प्रधानमंत्री जो कि एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होती है उसका जो भाषा है ना लैंग्वेज वो इतनी टफ और रफ है आज तक हमने किसी प्रधानमंत्री की नहीं देखी। लाइक दैट जैसे कांग्रेस आएगी तो आपके बहू आगे मंगल सूत्र ले जाएंगे मुसलमान आपकी भैंस खोल ले जाएंगे आपके किले ले जाएंगे मंगल तो ये एक प्रधान। फिर दूसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी तो इन बीजेपी वालों से ही बचानी पड़ रही है। आप तो पत्रकार हो आपने देखा है जितने भी रेपिस्ट हैं सारे बीजेपी के हैं चाहे उन्नाव कांड है चाहे हाथरस में क्या हुआ मणिपुर में क्या हुआ दिल्ली में क्या हुआ 4 महीने पहले पानीपत में क्या हुआ तो ये सारे के सारे जो है फिर इनके पास ऐसा है जब इनके ऊपर इनका जो कार्यकर्ता है जैसे बीएचयू था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वाईटी सेल के 3 लड़के थे वो लड़के के साथ क्या जमीन का आता जो वो साफ हो जाता है कोई नहीं बोलता और दूसरी किसी का हो जाए तो कूद का जावे फिर झूठा झूठ बोलना सारी पब्लिक को इन्होंने लाइनों में लगा दिया चाहे वो फैमिली आईडी हो चाहे पोर्टल हो चाहे राशन कार्ड हो मतलब जो इनने जितने इनके कारण में उनसे ध्यान भटकाने के लिए पब्लिक को लाइन मिला। अब पोर्टल इसका है जमीन इसका खेती बाड़ी का क्या है पोर्टल का मैं खेती है मेरे पास 4 एकड़ जमीन है उस पर फिक्स कर दिया अभी प्रति एकड़ जो हम 20 क्विंटल देंगे और अब वो जमीन तो हमने नहीं थोड़ा कह रखी तू 20 क्विंटल दिए उन्हें 25 क्विंटल दे दिए तो उन्हें तो 20 5 क्विंटल कहाँ ले के जाओगे हम ले जाओ उल्टे। बॉर्डर किसानों ने 750 किसानों ने शहादत दी वो कानून ऐसे कानून इन्होंने ला दिए जिसका कोई अगर वो कानून होते तो किसानों के पास जमीन नहीं रहनी थी यह बात खोल के तो लंबा टाइम है काफ़ी उसमें लेकिन अगर वो कानून लागू हो जाते किसी किसान के पास जमीन नहीं रहनी थी
दूसरा इन्होंने 2013 में कांग्रेस ने एक लैंड एक्विजिशन एक्ट, भूमि अधिग्रहण एक्ट बनाया था, जिसमें कहा था देहात में अगर गांव की जमीन एक्वायर करेगी सरकार तो कलेक्ट्रेट का 4 गुना मुआवजा देगी, शहरी करेगी तो 2 गुना होगी। इन्होंने वो भी बदल दिया, वो अलग चीज है कि इनका पार्लियामेंट में वो ना मत ना होने कारण पास नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने ये कर दिया जहाँ जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार है वो उसको लागू करे, उसमें क्या है कि जो सरकार को जरूरत है तो कोई सेक्शन 4 नहीं, कोई 6 नहीं, कोई अवार्ड नहीं, सीधा डीसी को बोलेंगे अगर ये जमीन चाहिए इसको और करें, वो अपने रेट लगाओगा, अपने रेट लगा करके आपको बैंक में पैसे डाल देगा और आपको नोटिस भेज देगा। आप इतनी सारी समस्याएं गिना दिए हैं लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं हरियाणा में आकर के आपके ही कि हरियाणा का बेटा हूं और जो है पूरा देश सुरक्षित चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, कांग्रेस तो भ्रष्टाचारी है, तमाम आरोप लगा दिए। हरियाणा बेटा कहाँ से आ जाओ, और भ्रष्टाचार जितने का जो भ्रष्टाचारी थे, चाहे वो राव नरबीर हो, चाहे राव इंद्रजीत हो, चाहे किरण चौधरी हो, चाहे धर्मवीर हो, चाहे किस किस की गिराओ, वो भ्रष्टाचारी अंदर सारे नहीं ले गए, वॉशिंग मशीन में धोकर साफ कर दिए, निखिल के मैदान में ले गए, उसका चाचा वीडियो में फंस रहा और इन्होंने ले गए धो दिया साफ कर दिया। फिर इतना जोश कहाँ से आता है मोदी जी में ये सब कह के चले जाते हैं? होता क्या है, टेली प्रिंटर पर बोलता बोलना आता नहीं, अनपढ़ आदमी है, नुबेरा नहीं मैं हूँ के अनपढ़ है, और अनपढ़ का मतलब मेरा है उनके पास, अनपढ़ का मतलब मेरा होता है जिसको ज्ञान और वो ना हो, जिसको सेल्फ में कॉन्फिडेंस ना हो, पढ़ा लिखा कंवार। हाँ पढ़ा लिखा कंवार, वो हम पढ़ते थे, हिस्ट्री थी मेरे पास है, तो वह आता था ना सबसे मूर्ख राजा हुआ मोहम्मद तुगलक, पढ़ा लिखा राजा हुआ मोहम्मद तुगलक, जिसने रातों रात दिल्ली से दौलता बहुत राजधानी बना दी, फिर दिल्ली खाली देखी, फिर बोला वापिस दिल्ली चले जाओ। आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो फैसला लेते हैं तो वापिस ले लेते हैं, माफी ले लेते हैं, कोई स्टैंड तो है नहीं। एक कंगना रनौत है जो कह रहे हैं किसानों का कानून दोबारा से लागू होगा, क्या कहेंगे लेडीज है, बेवकूफ है। अब किसान है, देखो छोटी बात है, चलो जो भी है आप भी हम भी हैं, अन्न तो किसानों का रहोगा ना, हम रोटी किसकी खा रहे हैं, किसानों की, उनको हम किसान नहीं मानते, वो आतंकवादी उग्रवादी वो हो गए। कितनी सीटें आ जाएंगी हरियाणा में कांग्रेस की? कम से कम 55 और 60 के बीच में, 55-60, ये मीडिया भी बता रहा है सर्वे में, इतना लगभग आ सकती है। और जैसे हमारे राहुल जी आ रहे हैं, इनका इरादा ये है कि बढ़ाया जाए ये 65 करी जाए, क्योंकि आपने एक बात नहीं सुनी जेपी दलाल की, देश में फिर मुसलमान जो है, अरे आज से पहले मुसलमान नहीं देखे, आज से पहले मुसलमान है, अब ये यूं भी कहे हैं, अब देश आजादी 2014 के बाद होया है, इनसे कुछ नहीं बनाया, ये जिन कॉलेजेस में पढ़े, जिस स्कूलों में पढ़े, ये इनके बाप ने बनाए थे, कांग्रेस के तो बनाए होंगे, IIT इनके, एम्स इनके, सुई तक नहीं बनती थी, आज हवाई जहाज तक हिंदुस्तान में बनते हैं, 60 साल में कुछ नहीं हुआ ऐसा बोलते हो तो। मैं बता रहा हूँ इनके बाप ने बनाए, निर्मला सीतारमन ने जो न बोलते हैं, उन्हें उससे नहीं पूछो किस में पट गई थी, वो JNU का गाड़ी देते ऊपर एक FIR भी हो रही है। हाँ JNU में पट गई थी ना, और उसी को ये बकवास बता रही है, तो इनका क्या है, लोगों का बुरकलाना, झूठ बोलना, तूफान करना, ये लोग समझने लग गए हैं अब 10 साल बाद। बात यह है हर आदमी जो बच्चा आज 10 साल पहले, हाँ आपकी बात लेते हैं, जो 10 साल का था आज वो 20 का हो गया, एजुकेशन भी बढ़ी, फिर हर आदमी जैसे एजुकेशन बढ़ी तो उसके साथ अपने राइट्स का भी ज्ञान हुआ हर बच्चे को हर एक को, फिर बेरोजगारी अब हरियाणा में है, हरियाणा में ये कहते हैं अगर हमने रोजगार दिया, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, एक मिनट, हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो कि बिल्कुल प्राइवेट है, ठेके पे है 1 साल के लिए और 1 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म, तनख्वाह 12 से 15 हज़ार, एक बच्चे को आप और मैं, ये बच्चा है इसको स्कूल में कॉलेज में ट्यूशन के लिए ना कोचिंग के लिए भेजते हम 12 से 15 हज़ार में, अपने बच्चों घर का खर्चा चलाओगे, बड़कन पढ़ाओगे, बेरोजगारी खत्म। इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ हरियाणा को, अगर हमारे बच्चे काम नहीं रहा, वो नुकार ना खाली दिमाग शैतान का घर,
काम होगा तो बच्चे का ध्यान अपने काम के प्रति चला जाएगा। ये मारे बाले खाली अंडा है, रोजगार है नहीं, उनका ध्यान क्या रखा, दारू पियोगे का नशा करेंगे, सारे नशे में खोद दिए कुछ हरियाणा नशा में जा रहा है। हाँ, ये पंजाब का लगा कैथल वगैरह 22 जिले में, मतलब 12 जिले से जो चिट्टा रूस में नशे में जा रहे हैं। फिर आपने सुना होगा ये जो है बेरोजगारी में लोग जमीन बेच बेच कर अमरीका वगैरह भेज रहे हैं, वहाँ वो क्या है डोगी क्या है डांगी डोगी क्या है उसमें जंगल में जाऊँ वहाँ बेचारे वहाँ मर जाते हैं भूखे पैसे रहते हैं, अगर ये रोजगार दे दे तो क्यों जाओगे भाई। अच्छा राहुल गांधी को लेकिन विजय संकल्प यात्रा लास्ट के दिनों में निकालने की क्या जरूरत पड़ी है कि मतलब कि लास्ट में आकर के इस तरीके से संकल्प यात्रा निकालनी पड़ रही है? संकल्प यात्रा से बीजेपी को मिट्टी में मिलाने के लिए, जो हरियाणा में कांग्रेस बढ़तरी है इनको जीरो करने के लिए, जैसे 1987 में देवीलाल के टाइम में जो है ना कलीन स्वीप हो गया था। बीजेपी तो कह रही है सैलजा और हुड्डा में नियंत्रण वो करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ये तो अपोजिशन है, कुछ भी कहेंगे, मैं भी कहूँगा वो भी कहेगा, कहाँ है अब देखो वहाँ जा रहे थे सिरसा में साथ में, एक है दोनों तो कुछ नहीं है, ये तो हम भी कह देंगे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम सैलजा, मैडम सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सब एक है, सब एक है। ये संदेश भी जा रहा है लोगों में कि सब एक है। मैडम सैलजा चीफ मिनिस्टर बनो या भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर, कोई कमान का कोई भी बनो, हमें ये कहते हैं जाट मंजूर नहीं करेगा ऐसा। ना ना ऐसा कुछ नहीं है, जाट तो देवता हो तो सबने मंजूर करे है, जाट भी चाहेंगे कि सैलजा बन जाए। जाट जो है जाट के दिमाग में कभी भेदभाव नहीं रहा, बना दे जी है तन्न मुख्यमंत्री बना देंगे। अच्छा ये कह रहे हैं लद्दाख के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं सोनम वांगचुक, जानते हैं आप सोनम वांगचुक? पर्यावरण जो है कार्यकर्ता हैं लद्दाख में, वहां से आ रहे थे दिल्ली में यात्रा निकाल रहे हैं, उनको हिरासत में ले लिया गया। राहुल गांधी जी कह रहे हैं इनका अहंकार टूटेगा, क्या कहेंगे इस तरीके से हिरासत में ले लेना पैदल मार्च करते हुए लोगों को? तो गलती है उसका, राइट है, तो अब इनका तो काम है थोड़ा अभी कोई देखा उसको बंद कर दो कर दो, क्योंकि ये भीतर से इतने टूट चुके हैं, इतने डर चुके हैं आज ये किसी को देख नहीं, तो डर में भय में मरा है अभी कोई हो जाए ना थोड़ा उसे न कर दो बंद। तब आप क्या बोलेंगे मतलब कि इस तरीके से जो संकल्प यात्रा निकल रही है राहुल गांधी का, अब इससे कांग्रेस आ जाए बस बस बीजेपी का सफाया हो जाए बस। आप भी तुम बीजा जानो लाग रे इस बात ने, तू बीजा कांग्रेस को जानो है भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर में सेल जब ने कोई बनो हम कांग्रेस सकते हैं, कांग्रेस हां जी बेरोजगारी बहुत होगी, और तुम बीजा चाहो हो कांग्रेस ने, हम तो पत्रकार हैं, वाले पत्रकार बेशक जो इन देखा करो पूरा ना देखब तो तुम्हें पूरा दिखाएं बीजेपी वाला, तो बोल ही नहीं रहे थे ना पहले बीजेपी वाला का फेर करो तुम। अच्छा मीडिया मतलब बीजेपी की तरफ दिखाती है, क्या कहेंगे आप जो है किस तरीके से देखते हैं? सोनम वांगचुक को जानते हैं आप? सोनम वांगचुक एक पर्यावरण कार्यकर्ता है, जानते हैं आप? अच्छा उनको हिरासत में ले लिया गया, 150 लोग आ रहे थे लद्दाख से, यहाँ तक ना भी लेंगे हिरासत में, आपको भी लेंगे, इनके दौरा चला जाएगा, अच्छा दूध धोया कितना क्राइम कर लो कोई वो नहीं, अगर इनके खिलाफ बोलो तो भीतर जाओ, ये 10 दिन पहले क्या हुआ है, मेयर यहाँ का कांग्रेस का था, आज वो बीजेपी है गुणगा रहा है, 10 दिन पहले कांग्रेस के गाँव था बीजेपी। इतना अहंकार क्यों आ गया कि लोगों को हिरासत में लेना इस तरीके से, अपनी मांग भी नहीं उठा सकते हैं? ये इनका था, इनका हो रहा डर, अडर में क्या कर रहा है खा पाड़ू रहा है बस इस तरह का कुछ नहीं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।